IIM Indore, naam to suna hi hoga. Hi guys, this is Aditi Kothari and welcome to ProTalent. Today in this video, I'm going to talk about the Integrated Program in Management, which is a 5-year program offered by IIM Indore. The mission of this program is to produce world-class leaders and managers with a sense of sound ethics in them. To get into IPM by IIM Indore, there is an online entrance exam which is known as IPMAT. IPMAT ek online exam hai. Since you are getting the brand name of IIM, the future after this course is very bright. Also, since this exam, IPMAT, is a high-level exam and quite difficult, the number of applicants appearing for this program is very less. They are around 15,000 to 20,000. Now, let's see about IPM. IPM kya hai, udhar kya sikhaya jata hai aapko? Jaisa ki maine bataya, ye ek 5 saal ka course hai. जो पहले 3 साल होते हैं उसमें आपका जो बेसिक फाउंडेशन है वो बिल्ड किया जाता है. योर लैंग्वेज स्किल्स, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर सब्जेक्ट नॉलेज अबाउट मैनेजमेंट, उन पे ध्यान दिया जाता है. जो लास्ट 2 साल होते हैं उसमें फोकस किया जाता है आपके मैनेजमेंट स्किल्स में. आप कैसे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं उन्हें बिजनेस में अप्लाई करेंगे, आप कैसे क्रिटिकली थिंक करेंगे एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्या आपका डिसीजन होना चाहिए, एंड ऑल्सो will make you a socially conscious person ताकि आप जो भी कर रहे हैं ethics में रह के करें. After your 3 years graduation course, आपको एक internship offer की जाती है जो कि पूरे socially ethics के foundation को build करने के लिए की जाती है. And जो आपके last 2 years में आपको internship offer किया जाता है, that is to enhance your business. Now let's have a look at important dates. The last date to apply for IPMAT is April 14, 2019. The exam date of IPMAT is 10th May 2019. So guys, if you haven't registered and if you're interested in this amazing program, kindly register for the same. Now there are 28 cities in which IPMAT is conducted. Some of there are Delhi, Mumbai, Pune, Lucknow, etc. Now there is an eligibility criteria to get into IIM Indore IPM program. It has been divided into general category eligibility criteria and SC/ST eligibility criteria. जनरल कैटेगरी वालों को 10th और 12th, ध्यान रखिएगा 10th एंड 12th दोनों में उनके मिनिमम 60% आना जरूरी है. उनका एज लिमिट ज्यादा से ज्यादा 20 इयर्स हो सकता है एज ऑन August 1, 2019. वेराज क्राइटेरिया फॉर SC/ST इज मिनिमम 55% इन योर 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम. ऑल्सो द एज लिमिट 25 इयर्स और लेस एज ऑन August 1, 2019. SC/ST वालों को 5 years का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है. लेट्स हैव अ लुक एट द IPMAT एग्जाम पैटर्न. IPMAT हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 sections. फर्स्ट है क्वांट का MCQ क्वेश्चन. यहाँ पे 40 क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपको नंबर ऑफ मिनट्स गिवन टू आंसर दीज क्वेश्चन वुड बी 40 मिनट्स. सेकेंड इज क्वांट के शॉर्ट आंसर्स, जिसमें कोई MCQ नहीं दिए जाएंगे. यहाँ पे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड द टाइम लिमिट गिवन वुड बी 40 मिनट्स. थर्ड इज वर्बल एबिलिटी MCQ क्वेश्चंस. हियर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वुड बी 40 एंड टाइम लिमिट वुड बी 40. इन ऑल देर आर 100 क्वेश्चंस आस्क्ड एंड द टाइम लिमिट गिवन टू यू इज 120 मिनट्स. गाइस, नोट डाउन, देर इज अ नेगेटिव मार्किंग स्कीम फॉर IPMAT एग्जाम. फॉर क्वांट शॉर्ट आंसर्स देर इज नो नेगेटिव मार्किंग. इट इज अ 400 मार्क्स पेपर, ईच क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स. IPMAT का कोई डिफाइंड सिलेबस अभी तक रहा नहीं है, लेकिन हम पास्ट ट्रेंड से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या पूछा जाता है IPMAT में, कौन से टॉपिक में क्या क्या टॉपिक्स कवर किए जाते हैं. क्वांट में नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा में आपके क्वाड्रेटिक एंड लीनियर इक्वेशंस आ गए, योर डेटा इंटरप्रिटेशन जिसमें आपके चार्ट्स और ग्राफ्स आ गए, सेट थियोरी, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं. गाइस, आई वुड लाइक टू गिव यू अ टिप. क्वांट के सेक्शन में आप इस पे फोकस मत कीजिएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं. नहीं, डोंट फॉरगेट देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग स्कीम इन IPMAT एग्जाम. सिंस IPMAT का कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं रहा गया है, हम पास्ट ट्रेंड से अंदाजा लगा सकते हैं कि IPMAT में क्या पूछा जाता है कौन से सेक्शन में. क्वांट सेक्शन के अंदर टॉपिक्स होते हैं नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा जिसमें आपका क्वाड्रेटिक एंड लीनियर इक्वेशन आ जाता है, सेट थियोरी, डेटा इंटरप्रिटेशन जिसमें आपके बार, ग्राफ, डायग्राम्स ये सब आता है,
geometry and mensuration, percentage, profit and loss, time and speed, time and distance. Generally, my personal advice would be quant mein your focus should not be on attempting more number of questions. यहाँ पे अटेम्प्ट्स काफी कम होते हैं क्योंकि क्वांट आईपी मैट का काफी टफ पूछा जाता है. उसे आप कैट के क्वांट के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, टफनेस लेवल वो होता है. वेयर एज वर्बल सेक्शन जो है वो काफी स्कोरिंग होता है. क्वांट टफ सभी के लिए बहुत होता है. वर्बल सेक्शन में आप ज्यादा फोकस करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वर्बल सेक्शन में स्कोर कर सके. वर्बल एबिलिटी के अंदर टॉपिक्स होते हैं पैरा कंप्लीशन, जिसमें आपको पूरा पैराग्राफ दिया हुआ होगा लेकिन व्हाट विल बी द सूटेबल एंड फॉर द पैराग्राफ वो आपको ऑप्शंस में से चूज करना पड़ेगा. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड जंबल, वर्ड यूजेज, वोकैब एंड एनालॉजी, पैराग्राफ जंबल, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ग्राम. नोट, वेटेज गिवन फॉर आईपी मैट एग्जाम इज 50%. इफ यू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ ऑफ आईपी मैट ओनली देन यू आर कॉल्ड फॉर पीआई एंड वैट. वैट इज रिटन एबिलिटी टेस्ट जिसका वेटेज होता है 15% एंड पीआर पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज होता है 35% एंड देन द फाइनल लिस्ट इज मेड. इनटेक फॉर आईपीएम प्रोग्राम बाय आईएम इंदौर इज 120 सीट्स. फॉर एनी क्वेरीज यू कैन गो ऑन द साइट गिवन बिलो. आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं. आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू रजिस्टर ऑन protalentdigital.com. ऑल्सो अगर आपको अपने क्वांट सेक्शन के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस की या वीडियो लेक्चर्स की जरूरत है, आप protalentdigital.com में जा सकते हैं. वहां पे आपको टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स दिए गए हैं, लेक्चर्स के बाद क्वेश्चंस भी दिए गए हैं टू चेक वे यू स्टैंड. ऑल्सो आपका वोकैब इंप्रूव करने के लिए हमने 5 words पर डे के कुछ सेशंस भी लिए हैं जो आपको हमारे ProTalent चैनल पे मिल जाएंगे. काइंडली रजिस्टर ऑन protalentdigital.com. थैंक यू.